लगा करके ना। भारतीय रेलवे की जानिब से जम्मू से कश्मीर तक के रेलवे लिंक को कनेक्ट करना एक काफी अरसे से चला जा रहा प्रोजेक्ट जो है अब आखिरी पायदान पर आखिरी मराहिल में से गुजर रहा है। इस वक्त हम मौजूद है संगलदान रेलवे स्टेशन पर जहां पर स्टेशन के बनाने का काम जो है वो शदोमत से जारी है और हज़ारों की तादाद में मजदूर मशीनरियां यहां पर लगी हुई है और जो तरजीहात यह है कि मुकर्रा वक्त में जो है इस प्रोजेक्ट को यहां तकमील तक पहुंचाया जाए और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक का जो सफ़र ट्रेन के जरिए है वो शर्मिंदा ताबीर हो सके। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन संगलदान के पास मौजूद है, यहाँ पर हम नज़ारा आपको दिखाने चाहेंगे किस तरह टनल्स और बाकी तक काम चल रहा है और किन मराहल से गुजर रहा है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ट्रैक्स बिछ चुके हैं यहाँ पर, ये जो सामने का जो टनल आप देख रहे हैं ये बानीहाल से आते हुए संगलदान को स्टेशन पहुँचने के बाद जब ट्रेन यहाँ से आगे जम्मू की तरफ निकलेगी वह इंद वाया इंद से होते हुए ये दरियाए चिनाब के सबसे ऊँचे ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये उधमपुर कटरा कनेक्ट करते हुए सीधा जम्मू और दिल्ली का सफ़र पूरा करेगा। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मजदूर जो है वो बिल्कुल डे एंड नाइट शिफ्ट्स में यहाँ काम कर रहे हैं और इस वक्त भी काम जो है लगातार जारी है, चाहे मशीनरी हो, मजदूर हो, इंजीनियरिंग स्टाफ हो, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने मुकर्रर वक्त में अपने अंजाम को पहुँचे और जो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो। ये स्टेशन का एंट्री पॉइंट होगा जो बन रहा है, आप देख पा रहे हैं मशीनरी किस तरह इसका छत लग चुका है और सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर बिजली के बचाव के लिए सोलर पैनल्स को लगाया गया है जो यहाँ बिजली का जो सप्लाई है वो उसको यहाँ पर यकीनी बनाने के लिए यहाँ इसको इस पहलू को भी मद्देनज़र रखा गया है। और यहाँ से देखिए कि जो शेड पैसेंजर शेड्स है जहाँ पर पैसेंजर रुकेंगे ट्रेन के आने और जाने के वक्त में जब खड़े होंगे उस वक्त के लिए यहाँ पर ये बनाया गया। और ये जो सामने का टनल जो आप देख पा रहे हैं ये टनल यहाँ से होते हुए सुमड़ और बानीहाल और वादी कश्मीर की तरफ जाने वाला टनल है, इसका काम जो है मुकम्मल हो चुका है, ट्रैक्स बिछ चुके हैं, अब स्टेशन का काम जारी है और ये स्टेशन भी कुछ ही मुद्दत का जो इंतज़ार के बाद जो है बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ से जो ट्रेन की आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी। और जो भारतीय हुकूमत का और उसके बाद रेलवे अथॉरिटीज़ का जो ख्वाब है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहा और ट्रेन को जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलाना है तो ये ख्वाब जो है जल्द ताबीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप किस तरह पहाड़ियों काट कर यहाँ डिग करके यहाँ पर इस स्टेशन को बनाया गया है, कितनी दीवारें लगी है, वक्त तो यकीनी तौर से कंस्ट्रक्शन में लगता है जब इस तरह की डिफ़िकल्ट टोपोग्राफी में आप काम कर रहे हो और उसके बाद जब आप इस एक्सकवेशन के काम को ख़त्म करते हैं फिर बाद में टेक्निकल काम आता है, सारी चीज़ें होती है जिन पहलुओं पर इस वक्त काम जारी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पटरियाँ जो है वो बिछने शुरू हो गई है, उसके अलावा स्टेशन का जो काम जो है वो आखिरी पायदान और मराहिल में है और यहाँ जो ब्रिजेज़ है वो तमाम तरह के ब्रिजेज़ वो बना दिए जा चुके हैं और उनका जो काम भी है वो भी फास्ट ट्रैक बुनियाद पर किया जा रहा है ताकि यहाँ जो स्टेशन का काम है मुकम्मल हो जाए और फिर ट्रेन्स के जो ट्रायल रन है वो चलेंगे और ट्रायल रन के बाद यहाँ ट्रेन जो है बाज़ाब्ता तौर से चलेगी और ये ख्वाब जो है भारतीय रेलवे का वो मुकम्मल होने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मकामी कॉन्ट्रैक्टर है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रोजेक्ट की क्या सिचुएशन है और किस तरह वो काम कर रहे हैं। सर न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है, आप बताइए आप कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पर, आपके मजदूर मशीनरी लगे हैं काम करने में, क्या प्रायोरिटीज हैं आपकी, किस तरह काम किया जा रहा है यहाँ पर ताकि इस स्टेशन को जल्द बनाया जाए और ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हो जाए। सर जी आपका न्यूज़ 18 का सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं जो आपने छुट्टी होकर लेकर यहाँ पर आए और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द इसको जो है फाइनल स्टेज पर लाया जाए और ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही गया है, अब थोड़ा बहुत जो है ट्रैक का काम बाकी है और ये फुट ब्रिज है इसका छत वगैरह जो है बचा हुआ है, बाकी जो कनेक्टेड रोड है इसके उसको ब्लैक टॉपिंग वगैरह है और कहीं पैड वगैरह जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर ही अब ये जो है काम है।
तो इसमें आप कितने मजदूर मशीनरी किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, शिफ्ट क्या रखी आपने ताकि इसको जल्द अज जल्द बनाया जाए और जो ट्रायल रन का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाए? देखिए अब ये तो लास्ट है, फाइनल स्टेज पे है, इस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर का जो है काम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाह रहे हैं कि रात दिन इसको जो है काम किया जाए और इसको फाइनल स्टेज तक इसको जो है फाइनल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ मकामी जो यहाँ सप्लाई करते हैं हर तरह के मजदूरों की, मटेरियल की, मशीनरी की, और यहाँ इस स्टेशन के काम में तैनात कंपनी जो है वो काम करवा रही है। तो भारतीय रेलवे जो है वो यकीनी तौर से यहाँ एक डिफ़िकल्ट, एक बहुत देरी ना, जो एक ख्वाब है जम्मू कश्मीर के आवाम का कि जो ट्रेन जब कश्मीर से जम्मू और दिल्ली का सफ़र करेगी और लोगों का आना जाना होगा, जो सियाहत को, यहाँ की मईशत को हर एतबार से फ़रोग देने के हामिल हो सकती है, और उसी का काम जो हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे कि किस तरह से इस वक्त संगलदान के मकाम पर स्टेशन का काम जारी वसारी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो साल 2024 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वादा किया है कि ट्रेन जम्मू से संगलदान के बीच में चलेगी, वो शर्मिंदा ताबीर होगा और जम्मू कश्मीर के जो तारीख में जो है सुनहरे बाब सुनहरे अल्फाजों से इस बात को लिखा जाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए संगलदान रेलवे स्टेशन से बिलाल बाली।